नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मिश्रा एक सिविल सोसाइटी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ उत्सव जी हैं जो कि हंडिया प्रयागराज के रहने वाले हैं और आज इनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले तो उत्सव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उत्सव जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है एक्सीड सोसाइटी में ये कुछ जो है अध्ययन सामग्री और ये कुछ बच्चों के लिए टॉफी या कैंडी जो है दिया है। और इस वीडियो को बनाने का मात्र इतना उद्देश्य है कि जिस प्रकार से उत्सव जी ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर सोचा कि हम जो है कुछ नया करें, कुछ नए तरीके से अपने जन्मदिन को ठीक है मनाएं, और एक्सीड सोसाइटी द्वारा जो प्रयागराज के विभिन्न मलिन बस्तियों में क्लास चल रही हैं उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की सामग्री, उनके लिए कुछ कैंडी को जो है सोसाइटी में आके डोनेट किया है। तो हम चाहेंगे कि और भी जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं या ये वीडियो आप लोग के माध्यम से जहाँ भी शेयर होके पहुँचेगा, वो लोग भी ऐसे किसी विशेष मौके पर इन बच्चों का बढ़ चढ़ के सहयोग करें। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक्सीड सोसाइटी पूरे प्रयागराज में जितनी मलिन बस्तियां हैं हर जगह क्लास को चलाने का जो है संकल्प ले चुके हैं और लगातार हम लोग क्लास चला रहे हैं। इस समय लगभग पूरे प्रयागराज में 20 स्थानों पर क्लासेज चल रही हैं। अब उन बच्चों के पढ़ने लिखने की सामग्री की व्यवस्था कैसे होगी, वो हमारे अकेले के बस की बात नहीं है। हम 2-4, 10 लोग, 20 लोग, 25, 50 बच्चों की मदद कर सकते हैं। हजारों या लाखों बच्चों की जो है अगर मदद करना है तो पूरे समाज को, पूरे प्रयागराज को, पूरे प्रदेश को आगे आना होगा। उसी जो है क्रम में आज उत्सव जी ने ये जो अध्ययन सामग्री दिया है, इसके लिए मैं उत्सव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ पूरे टीम की तरफ से। और हम चाहेंगे कि उत्सव जी अपने जन्मदिन के मौके पर जो है ये वीडियो के माध्यम से कुछ दो शब्द कहें। मैं उत्सव किशन मानी प्रयागराज हंडिया का निवासी हूँ। मैं एक्सीड सोसाइटी में चल रहे निःशुल्क शिक्षा अभियान को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ दिया हूँ और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ दें, ना कि पैसा, पैसा की जगह आप कोई अध्ययन समाज रुकना चाहूंगा। हाँ, आप लोगों से अपील है कि हमारी जो एक्सीड सोसाइटी है वो किसी से पैसे की मांग नहीं करती है। हम जो है डोनेशन के रूप में, दान के रूप में हम पैसे नहीं लेते हैं, हम अध्ययन सामग्री लेते हैं, ठीक है। क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है, अगर हम शिक्षा से लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक कर लें, लोगों को और बच्चों को शिक्षित कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के पैसे की आवश्यकता है। मैं आप सबसे यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग सब लोग बस यही सहयोग करें और कुछ नहीं चाहिए। ये सहयोग करने के लिए उत्सव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सीड सोसाइटी की पूरी टीम की तरफ से मैं उत्सव जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।